हरियाणा के सीएम का नाम आता है तो उनकी सादगी की बात जरूर होती है। मनोहर लाल खट्टर सादगी पसंद नेता के तौर पर अब तक पहचाने जाते थे, जाने जाते थे, लेकिन अब ये सादगी 2.5 करोड़ की हो चली है। उनके लिए 2 लैंड क्रूजर खरीदी गई हैं, एक दिल्ली में और एक हरियाणा में रहेगी। हरियाणा के पहले सीएम होंगे मनोहर लाल खट्टर, जो 1 करोड़ से महंगी गाड़ी में सवारी करेंगे। हरियाणा के सादगी पसंद सीएम मनोहर लाल खट्टर, इनकी सादगी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जब ये सीएम बने थे तो इनकी सादगी के चर्चे खूब थे। कोई कहता था खट्टर ने पूरी जिंदगी समाज और संघ की सेवा में लगा दी, लेकिन कभी किसी पद की लालसा नहीं की। शायद यही इनकी सादगी का इनाम था जो उन्हें हरियाणा का सीएम बना दिया गया। लेकिन अब खट्टर साहब की सादगी की कीमत 2.5 करोड़ हो चुकी है। यकीन शायद ना हो, लेकिन सच यही, खट्टर साहब के लिए 2.25 करोड़ की 2 लैंड क्रूजर मंगाई गई, जो बड़े शान से लाल बत्ती लगाकर खट्टर की सवारी के तौर पर कभी विधानसभा तो कभी उनके दफ्तर तो कभी उनके घर के बाहर खड़ी रहती है। इनमें से एक कार का नंबर HR82001, यानी हरियाणा के सीएम की गाड़ी का नंबर VVIP। कहा जा रहा है जब सीएम दिल्ली में होंगे तो दूसरी गाड़ी वहाँ रहेगी। सीएम साहब से इस बारे में पूछा तो बोले, जो गाड़ी मिलेगी उसी में बैठ जाएंगे। करने वालों ने किया, मेरी कोई ऐसी मांग नहीं थी कि कैसी गाड़ी चाहिए कैसी नहीं चाहिए। उनको सीएम को गाड़ी किस प्रकार से होनी चाहिए उन्होंने अपने आप विचार किया होगा। मैंने तो 1.5 साल में इसके बारे में कोई विचार किया नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं, 3-3 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों को रिप्लेस करना है, जो रिप्लेस करके मिल जाएगी उसके ऊपर बैठ जाएगी। अभी तक करीब 90 लाख की मर्सिडीज में वो चलते ही थे। ऐसे में उनके खासम खास अधिकारियों का कहना है कि पुरानी गाड़ियां 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी हैं और नई लैंड क्रूजर को बुलेट प्रूफ कराने में 30-40 लाख ज्यादा खर्च हो, इसलिए कीमत 1 करोड़ के पार जा पहुंची। अब सोचिए, जिन खट्टर साहब के बारे में कहा जाता था कि वो बस में चलते थे, अब वही जब 2.25 करोड़ की लैंड क्रूजर में चलेंगे तो उनकी सादगी कितनी महंगी हो जाएगी। और लैंड क्रूजर तो उसमें 4 चांद ही लगाएगी, क्योंकि खट्टर हरियाणा के पहले सीएम होंगे जो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी में चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।